रिम अलैकम वरक नाजरेन ईमान की कमज़ोरी और उसकी अलामतें उसके मज़ाहिर में एक अहम मजहर और एक अहम अलामत शह नफ्स है दिलों की तंगी ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मोमिन के शाया निशान ने ममिन का दिल कुशादा होता है उसके दिल में तंगी नहीं होती और क़ुरान मजीद में कामयाबी की ज़मानत इस बात को करार दिया गया है कि आदमी शह नफ़ से महफूज हो दिलों की तंगी से महफूज हो अब अगर ईमान कमज़ोर होता है तो ये बीमारी जड़ पकड़ती है ये बीमारी ज़ाहिर होती है अल्लाह के रसुलसम ने फरमाया है ला यजम व शह वल ईमान फ़ीकल बबदिन رواه النسائي. आपने कहा कि ईमान और नफ्स, ये दोनों चीज़ें किसी के दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती। जहाँ ईमान होगा वहाँ नफ्स नहीं होगा और जहाँ दिलों की तंगी होगी इसका मतलब है कि वहाँ ईमान कमज़ोर है तो ईमान की कमज़ोरी की अगर अलामत शह नफ्स है अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ईया कुम शह फ़िन नलक मनका न कबलक हम बिल शह अमर अम बिलबल फ बखिल हो वह अमर अम बिल्तियत फ़त्त व अमर अम बिल फजूर फ़जर हु अबू दाउशरीफ़ की रवायत है आपने कहा कि लोगो शह नफ्स और दिल की तंगी से बचो क्योंकि तुमसे पहले जो लोग थे वो इसी बीमारी की वजह से बर्बाद और हलाक हो गए इसी ने उनको बखल का हुक्म दिया कंजूसी का हुक्म दिया तो उन्होंने कंजूसी की रिश्तों को काटने का हुक्म दिया तो उन्होंने रिश्तों को काट दिया और फिस्क और फजूर पर आमादा किया तो वो फिस्क और फजूर में मुबतला हो गए तो बीमारियों की जड़ दिलों की तंगी शुह नफ्स ये ईमान की कमज़ोरी कीमामत अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में कहता है ها انتم هاولا تدعون الى تنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل والنفس والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ऐसे लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते ऐसे लोग माल की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं ऐसे लोगों से इन की तवक्को नहीं होती अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा हाल ये है कि तुमको दावत दी जा रही है कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो तो तुम में से कोई है जो वखल करता है और जो वखल करता है उसका नुकसान उसकी ज़ात को होगा अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है अल्लाह मोहताज नहीं है तुम मोहताज हो तुम ज़रूरतमंद हो और अगर तुम एराज़ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और वो तुम जैसे नहीं होंगे उनका दिल कुशादा होगा वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे वो कंजूसी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो शोह नफ्स और दिलों की तंगी ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ईमान की कमज़ोरी की है जबकि इसके बिलमक़ाबिल जो साहिब ईमान होते हैं उनका दिल बड़ा कुशादा होता है वो ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करते हैं अल्लाह ताला ने क़ुरान मजीद में अनसार की तारीफ़ की है और उनके इस किरदार को सराहा है कि किस तरीक़े से उन्होंने अपनी ज़रूरत पर अपने महाजिर भाइयों की ज़रूरत को तरजीह दिया हर तरह से उनकी मदद की उनको गले से लगाया उनको शरीक किया ये कुशादा दिली उनके कमाल ईमान की अलामत है अल्लाह ताला फ़रमाता है वलैीन तबार वल ईमान मिन कबल हिम यो हिब्बू न मन हाजर वला यजदून फ़ीसदूरह हाजत ममा ऊतू वाल फुसिम वलका नबिम खसास व यू कशुनफ़ से फ उलाकहमुलमफलह ये लोग जिनके दिलों में ईमान पहले से बस गया था और इनका हाल ये है कि जो लोग हिजरत करके आए हैं उनके भाई वो उनसे महब्बत करते हैं उनको चाहते हैं और जो कुछ उनको दिया गया है महाजरीन को उसके खिलाफ अपने दिल में कोई कशक नहीं है कोई कोई खटक नहीं है और हाल इनका ये है कि अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह देते हैं हालांकि ख़ुद ज़रूरतमंद है अपनी ज़रूरत को मौखर करते हैं और अपने भाइयों को तरजीह देते हैं और जो आदमी शोह नफ्स और दिल की तंगी से बचा लिया गया वही लोग कामयाब तो अनसार का जो कारनामा है तारीख़ इस्लाम में वो बहुत मुमताज़ है जिस तरह से उन्होंने अपने महाजिर भाइयों का इस्तेबाल किया अपने घरों में अपने जायदाद में अपने माल में उनको शरीक किया वो महाजिर जो अपना सब कुछ छोड़ करके आ गए थे उनका इस्तबाल जिस तरीके से इस अनसार ने किया है वो एक तारीखी कारनामा है हर आदमी की खाश थी कि महाजिर मेरे घर में ठहरे यहाँ तक के क़ुरानदाज़ी की नौबत आई कि कौन किसके घर में ठहरेगा और उन्होंने उनको अपने घर में शरीक किया अपने माल में शरीक किया जायदाद में शरीक किया और चंद बरस के बाद जब बनु नज़ीर का वाक़ पेश आया और माल फय हासिल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार से कहा कि अगर तुम चाहो तो ये माल तुम्हारे दरमियान भी तकसीम किया जाए और महाज्रन के दरमियान भी तकसीम किया जाए और जिस तरीके से तुम्हारे माल व मालबाब में ये रहते रहे उसी तरह से रहें और अगर इजाज़त दो तो ये माल सिर्फ़ इनमें तकसीम कर दिया जाए और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारे माल उसब में इनको रहने की ज़रूरत नहीं होगी तो अनसार के सरदार सादिबादा सादिब ने मवाज़ ने कहा कि नहीं ये अल्लाह के रसूल ये पूरा माल महाजरीन में तकसीम कर दिया जाए और जिस तरीके से वो हमारे घर में रहते थे उसी तरीके से रहें क्या इशार था क्या जज्बा था और उन सरदारों की बात पर तमाम अनसार ने लबैक लब कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की अनसार के लिए दुआ की तो साहिब ईमान वो दिल की तंगी से महफूज होता है दिलों की तंगी बख्ल कंजूसी ये ईमान की कमज़ोरी की है कमाल ईमान आदमी को इनफाक़ पर उभारता है को शादा दिली पर उभारता है वो अल्लाह पर भरोसा करता है और अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करता है इसी तरह से ईमान की कमज़ोरी की एक अलामत ये भी है कि आदमी अपनी ज़ुबान से कुछ कहे और अपने अमल से कुछ करे उसके कौल में और उसके अमल में तज़ाद हो अल्लाह ताला ने फरमाया है यादीन अमन लिमा तु न माता फ़ैलून कबूरा मकतान अंतुलु मत फ़ैलून अ लोगो जो ईमान लाए हो तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते अल्लाह के नज़दीक ये बात इंतहाई नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जिस पर तुम्हारा अमल लाओ ईमान आदमी के अंदर किरदार की बुलंदी पैदा करता है उसकी ज़ुबान पे जो कुछ होता है उसी के मुताबिक उसका अमल होता है उसके कौल में और उसके फ़ेल में तज़ाद नहीं होता है इसके बिलमिल जब ईमान कमज़ोर होता है तो आदमी ज़ुबान से बहुत से दावे करता है और अमली लिहाज से उसका दामन खाली होता है उसके कौल में और फ़ेल में मुनासिबत नहीं होती तजाद होता है ऐसा आदमी अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जहन्नम में डाला जाएगा और वहाँ उसे सख्त अजाब होगा उसके आँतें बाहर आ जाएंगी उसके इर्द गिर्द वो घूमेगा तो अहले जहन्नम उसके पास इकट्ठा होंगे और कहेंगे कि भाई तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है तुम तो दुनिया में हमको भलाई का हुक्म देते थे बुराई से रोकते थे समझाते थे आज तुम्हारा हाल ये क्यों है तुम जहन्नम में क्यों डाले गए हो तुमको ये अजाब क्यों हो रहा है तो आदमी कहेगा कि हाँ मैं तुमको भलाई का हुक्म देता था लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता था और तुमको बुराई से रोकता था और मैं खुद बुराई से बाज नहीं आता था उससे अपने आप को नहीं बचाता था उसकी वजह से आज मेरा यह हाल हुआ है तो कौल और अमल का जो तजाद है वो इंसान को दुनिया और आखिरत की तबाही और उसकी बर्बादी की तरफ ले जाता है ईमान की कमज़ोरी की अलामत है उसका मजहर ये भी है कि आदमी ज़ुबान से कुछ कहे और उसका अमल कुछ और हो दोनों में मुनासिबत ना हो दोनों में टकराव इसी तरह से ईमान की कमज़ोरी की एक अमत ये भी है कि आदमी इस दीन के ताल्लुक से जो जिम्मेदारी है उसको न महसूस करे उसके लिए उसके अंदर जज्बा ना हो तड़प ना हो यह भी ईमान की कमज़ोरी नाजरीन यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तु का सिलसिला जारी रहेगा वक्फे के बाद नाजरीन फिर आपका इस्तकबाल है ईमान की कमज़ोरी की एक अमत ये भी है कि आदमी ख़िदमत दीन के ताल्लुक से अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस न करे इस दीन का तकाजा ये है कि इसको मानने वाला इसको आम करने की कोशिश करे इसको फैलाने की फ़िक्र करे उसके अंदर एक जज्बा हो उसके अंदर एक तड़प हो इंसानों से हमदर्दी हो और अपनी ज़िंदगी को इस दिन की खिदमत के लिए वक्फ़ करे और इसके लिए अपने आप को लगाए साहब कराम रिजवानल ताल आजमान की ज़िंदगी इस बात का खुला हुआ सबूत है कि जैसे ही वो इस्लाम में दाखिल हुए उसकी दावत के अलंबरदार बन गए उसको फैलाने के लिए बेचैन हो गए फिर पूरी ज़िंदगी उनकी दावती रुख पे लग गई और यही फिक्र रहती थी कि ये पैगाम किस तरीके से आम हो और किस तरीके से अल्लाह के बंदों तक पहुँचे तो फैल इबिन आमर मुसलमान हुए और उसके बाद फ़ौर अल्लाह के रसूल वसल्लम से इजाज़त चाही और जा कर के अपने कौम के लोगों को दावत दी अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाया तो आदमी के अंदर अगर ये जज्बा न पैदा हो तो इसका मतलब ये है कि उसका ईमान कमज़ोर है आज अक्सरियत का हाल यह है कि इस जज्बे से आ रही है इस जिम्मेदारी का एहसास उनके दिलों में नहीं इसके लिए अमली इकदाम की झलक उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती जबकि ईमान जब, जब जिंदा होता है और जब ताकतवर होता है तो वो मोमिन को दाई बना देता है दीन का खादिम बना देता है उसके लिए फिक्र करने वाला बना देता है ईमान की कमज़ोरी कीमतों में से एक अलामत ये भी है कि आदमी मुसीबत से घबरा जाए कोई हादसा हो जाए तो अपनी हिम्मत को छोड़ दे जबकि एक मोमिन का तरीक़ा ये होता है कोई मुसीबत हो कोई हादसा हो कोई आजमाइश हो वही कहता है इन्ना ला व इन्ना अल हम अल्लाह के लिए हैं अल्लाह की तरफ़ हमें पलटना है। उसको यकीन है कि सब अल्लाह की तरफ से घबराता नहीं मुश्किल का मुकाबला करता है सब्र शबात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत जैनब की छोटी बच्ची उसका जाकनी का आलम था उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास पैगाम भेजा कि आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएँ आपने कहा कि जहाँ उनसे कह दो ला मा अखज़ा व ला मा आता फल तस्बिर वल तहतसिब सब कुछ अल्लाह का है जो चाहे दे जो चाहे ले ले सब उसी की अमानत है उनसे कह दो कि वो सब्र करें और अल्लाह से अजर की तो रखें तो ईमान एक ऐसी ताकत है एक ऐसी क़वत है जिसकी वजह से आदमी के अंदर मुसीबतों को झेलने का मलका पैदा होता है उसकी ताकत पैदा होती है उसकी क़वत पैदा होती है घबराता नहीं और जब ईमान कमज़ोर होता है तो आदमी घबरा जाता है परेशान हो जाता है मुसीबत आती है तो हिम्मत हार जाता है ये ईमान की कमज़ोरी की अमत इसी तरह से ईमान की कमज़ोरी की अलामतों में से ये अलामत भी है कि आदमी ख़ाम ख़्वा के लिए बहस करे कट करे जबकि हदीस में इससे मना किया गया है कि अल्लाह के नेक बंदे बिलावज के लिए बहस और मुबासा नहीं करते जब ईमान कमज़ोर होता है तो आदमी की आदत बन जाती है बिला वजह की बातें करना बहस करना कठहजती करना मुशगाफिया करना ऐसे सवाल करना जिनका आमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं अल्लाह के रसूल ने इन चीज़ों से मना किया ये ईमान की कमज़ोरी की है अल्लाह के, अल्ला के रसूल सरासूल ने फरमाया بعد जलोमन كانوا عليه कानू इतू अजल की हदायत के बाद जब कोई गुमराह होता है जब ईमान कमज़ोर होता है तो आदमी झगड़ालू हो जाता है बहसें करता है ऐसी बहसें जिनका कोई हासिल नहीं ये भी ईमान की कमज़ोरी की अलामत है और उसके मज़ाहिर में से एक मजहर है ईमान की कमज़ोरी की एक अलामत ये भी है कि दुनिया की महब्बत दुनिया से शगफ़ दुनिया की तलब दुनिया की हिरस ये आदमी के अंदर आ जाए माल की ख्वाहिश जाह की ख्वाहिश मनसब की ख्वाहिश अच्छे घर की ख्वाहिश बस इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले। लोगों को देखे अगर किसी का अच्छा मकान है किसी के पास अच्छी कार है किसी के पास अच्छी नौकरी है तो हसद का शिकार हो जाए हसद की आग में जलने लगे ये ईमान की कमज़ोरी कीमामत है अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाया है ला यजतमयान फिकल ब्याबद्दिन अल ईमानो वल हसद ईमान और हसद ये दोनों चीज़ें किसी शख्स के दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती जहाँ ईमान होगा वहाँ हसद नहीं होगी और जहाँ हसद है वो कमज़ोरी ईमान की अलामत है मोमिन हसद का शिकार नहीं होता है किसी के पास अगर कोई नमत देखता है तो उस पर जलता नहीं है जो आदमी हसद का शिकार होता है वह अपनी आग में खुद जलता रहता है इसलिए साहिब ईमान को इन कमजोरियों से अपने आप को बचाना चाहिए दुनिया की महब्बत दुनिया से ताल्लुक दुनिया से शगफ़ दुनिया को आखिरत की खेती समझना चाहिए एक मरहला है जिस मरहले से गुज़र करके उसे आगे जाना है दुनिया की हकीक़त और उसकी कदर कीमत को निगाह के सामने रखना चाहिए ये दारी इम्तहान है अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने फरमाया है ये दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी इसकी हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर और सरकश को एक घोट पानी भी यहाँ नहीं देता ये दुनिया जो कि ख़त्म होने वाली है मा इंदुम फ़द व मा इंद बाख जो कुछ तुम्हारे पास है सब पानी है सब ख़त्म हो जाने वाला है जो अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है वल आख़िरत व अबा आख़िरत ही बेहतर है और वही पाएदार है तो आदमी बहुत नादान है जो एक नाबादार चीज़ से ताल्लुक़ पैदा करे महब्बत पैदा करे अपने दिल में उसको जगह दे अपने दिल में उसको बसाए तो ये दुनियादारी दुनिया की तलब दुनिया के पीछे भागना ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत इसी तरीक़े से ईमान की कमज़ोरी की एक अलामत ये भी है कि आदमी खाने पीने और अपनी दीगर ज़रूरियात की तकमील में गलू से काम ले हद से आगे बढ़ जाए इसराफ से काम ले जबकि फजूल खर्ची और इसराफ़ करने वालों को कुरान मजीद में शैतान का भाई कहा गया वला तो बजर तबजीरा इसराफ मत करो फ़ूल ख़र्ची मत करो इस्लाम की तालीम ये है कि आदमी खाने में पीने में लिबास में रहन में सहन में इतदा अख्तियार करे हद से आगे न बढ़े इसराफ़ और फजूल खर्ची से अपने आप को बचाए अगर इंसान उन चीज़ों में ज़्यादा तोज् देता है जिनका ताल्लुक बुनियादी ज़रूरियात से नहीं है बल्कि कमालियात से है और उसमें ज़्यादा ख़र्च करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। ये ईमान की कमज़ोरी की कीमत आदमी को अतदाल के साथ एक तोजुन के साथ अपनी ज़रूरियात की तकमील करनी चाहिए और इसमें हद से आगे बढ़ने से उसे परहेज़ करना चाहिए जबकि सूरत हाल ये है कि यहाँ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए मोहताज हैं उनके पास वसाइल नहीं हैं और अगर किसी को अल्लाह ताला ने रोज़ी कुशादा दे दी है वो मोहताजों की फ़िक्र न करे वो ज़रूरतमंदों की फ़िक्र न करे और अपनी ज़ात पर ही फजूल खर्ची के साथ अपने माल को लगाए तो इसका मतलब ये है कि उसके ईमान के अंदर कमज़ोरी उसका ईमान अगर ज़िंदा हो उसका ईमान अगर ताकतवर हो उसका ईमान अगर मजबूत हो तो वह अल्लाह के बंदू की मदद करेगा इंसानों की मदद करेगा मोहताजों की मदद करेगा वो इस बात का अपने आप को शिकार नहीं बनाएगा कि उसके अंदर तन आसानी पैदा हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आराम पहुँचाए और आम इंसानों को भुला दें हजरत मुआिब ने जबल रज़ी अल्लाह त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा तो उस वक्त जो वसीयत की आपको उसमें से एक वसीयत ये थी या का वन इबादल्ला लईसु बिलमतनामीन आपने कहा कि अपने आप को आराम पसंदी हद से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों के इस्तेमाल से बचाना क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो एतदाल के साथ अपने माल को खर्च करते हैं तो आदमी अगर खाने पीने लिबास मकान और इस तरह की ज़रूरियात ही में और उनकी तकमील ही में अपने आप को लगा दे और उसकी सारी सरगर्मी इसी लिए हो और बेहतियाती के साथ अपना माल इन चीज़ों में खर्च करे और हद से तजावज़ करे तो ये इस बात की अलामत है कि उसका ईमान कमज़ोर है उसके ईमान की कमज़ोरी ही इस तर्ज अमल पर उसको उभारती है और उसको आमादा करती है ये चंद अहम मज़ाहिर है, अलामतें हैं जो ईमान की कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिर होती हैं और अगर हमें इस बात की फिक्र है कि हमारा ईमान कामिल हो हमारा ईमान मजबूत हो हमारा ईमान ताकतवर हो और हमारा ईमान तवाना हो तो हमें इन कमजोरियों से बचना होगा अपने आप को इन कमजोरियों से बचाने की फ़िक्र करनी होगी अल्लाह से दुआ है कि हमें इन मज़ाहिर से इन कमजोरियों से महफूज रखे और अपने ईमान को बराबर परवान चढ़ाने की तौफीक दे आमीन व आखरों दावाना रब्बिल आलमीन